शांति। आज हम मीठे बाबा के 7 जून 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। बाबा कहते हैं, जब रूहानी बाप आते हैं तब कल्प में एक ही बार हमें बाप का परिचय और आपस में हम सब आत्माएं, हम ब्राह्मण परिवार के बच्चे कम से कम, है ना, आपस में भाई भाई हैं, ये जैसे धारणा बुद्धि में होती है। तो बाबा कहते, ऐसे भाई भाई की वृत्ति रख, आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं, एक दूसरे से बहुत बहुत रूहानी प्यार होना चाहिए। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? तो बाबा कहते, पहले जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि जो बाप का धंधा वो धंधा जो बच्चे करते, श्रीमत पर विश्व कल्याण का बीड़ा उठाते, बाबा के मददगार बच्चे, बाबा कहते ऐसे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते। दूसरा, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, न काम का न क्रोध का, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूसते नहीं, है ना, ये जो रूसना है ये क्या होता है, अप्राप्ति की निशानी होती है। जब बाप से सर्व प्राप्तियाँ हैं तो कुछ नहीं मिला तो रूस जाना, है ना, ये शोभा नहीं देता, क्योंकि सर्व प्राप्ति के सागर की संतान हैं हम। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो दे अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वो बाप की इज्जत गंवाते हैं, है ना। कोई बात हो भी गई तो आपस में बात कर कर उसे सॉल्व करना चाहिए, लड़ने झगड़ने बाहर, है ना, धक्के खाने से तो कोई उसका हल नहीं निकलेगा। तो बाबा कहते हैं, जो लड़ना झगड़ना, रूसना, दे अभिमान में आना, ये सब बाप की इज्जत गंवाने की बात है। वो बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं, है ना। तो बाबा को सबसे पहले कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो श्रीमत पर विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो तो तुम भी ज़रूर एक दो को प्यारे लगेंगे, है ना। हम आपस में भाई भाई हैं, ये वृत्ति रहे तो प्यारे लगेंगे ना। जब याद रहे एक पिता की संतान है, और हम तो एक पिता शिव बाबा की भी संतान है, और हमारा अलौकिक पिता भी एक ब्रह्मा बाबा, तो आपस में हमें कितना रूहानी प्यार से रहना चाहिए। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा, क्योंकि हम तो अपने अलौकिक पिता पारलौकिक पिता दोनों को पहचानते हैं। बाहर वाले माना सर्व आत्माएं भी एक दूसरे के भाई भाई हैं, लेकिन सबको तो पिता की पहचान नहीं है, लेकिन हम बच्चों को तो आपस में हमारे अलौकिक पिता पारलौकिक पिता दोनों की पहचान हुई है, तो हमें तो आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो वो भाई नहीं ठहरे, है ना। और ज़रूर अगर बाबा के साथ संबंध अच्छा है तो ये लड़ने झगड़ने रूसने की आदतें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि भाई भाई का संबंध तो तभी निभाएंगे ना
जब बाप से अच्छा संबंध होगा। ताकत तो भाई भाई के साथ प्यार से चलने की बाप के संबंध के आधार से मिलेगी। तो अगर बाप से संबंध है तो आपस में भी कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तो बाबा कहते कि अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो वो भाई नहीं ठहरे। इसका मतलब अभी बाबा को ठीक से जाना नहीं है, बाबा से संबंध ठीक नहीं है। इंडिविजुअल संबंध जब बाप से अच्छा होता है तो आपस में भी भाई भाई होकर रहते हैं। जब इंडिविजुअल संबंध बाबा से अच्छा नहीं है तो फिर आपस में भी संबंध ठीक नहीं रहता। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है, है ना। सतयुग में तो देही अभिमानी पने के संस्कार पक्के हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बाबा की याद से दे अभिमान तोड़ना है। और जब बाबा की अच्छी याद हो, दे अभिमान टूटा हो, तो आपस में भाई भाई की वृत्ति भी सदा रह सके। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसीलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। और देखो बाबा कहते हैं कि जब हम बच्चे अपना अपना बाबा के साथ बाबा की याद से दे अभिमान से ऊपर उठते, भाई भाई की वृत्ति रखते, तो संगठन की शक्ति के आधार से कितना बड़ा विश्व कल्याण का कार्य हम बच्चे कर पाते। लेकिन अगर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो विश्व कल्याण का कार्य कैसे होगा। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं, वहाँ तो स्वार्थ होता है। यहाँ तो स्वार्थ की बात नहीं है ना, यहाँ तो एक बाप से सर्व प्राप्तियाँ करनी है। तो अगर सच में एक बाप से सर्व प्राप्ति की है तो आपस में भी लड़ने की कोई बात नहीं, क्योंकि स्वार्थ का संबंध नहीं, कोई धन आदि हिस्से आदि की बात नहीं, तो लड़ाई क्यों होगी। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। सुना, हमें जो कुछ मिलता है एक बाप से मिलता है। तो जब इंडिविजुअल बाप से अच्छा संबंध रखते हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न रहते हैं, तो भाई भाई भी आपस में बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना एक दूसरे से, है ना, कोई चाहना रखे हुए, कोई मांग किए हुए, एक दूसरे के साथ प्यार से चल पाते हैं। और संगठन की शक्ति से ईश्वरीय कार्य भी अच्छी तरह होता है। तो बाबा कहते हैं ये है बेहद की बात, है ना। यहाँ आपस में कुछ लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, यहाँ तो एक बाप से इंडिविजुअल डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। योग बल से बाप से वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं, ये तो रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को लेना है रूहानी वर्षा, है ना। यहाँ बाप भी रूहानी, बच्चे भी रूहानी और वर्षा भी रूहानी। और जहाँ हद का वर्षा होता है वहाँ बंटवारा होता है। यहाँ बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, जो जितना चाहे उतना ले सकते हैं। अगर मैं बाप से वर्षा ज़्यादा लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं दूसरे का कम हो जाएगा, क्योंकि बेहद बाप के पास बेहद वर्षा है। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या, है ना। जिसको धनी धोनी नहीं होता, है ना, जो निधन के होते हैं, जिनका कोई मात पिता नहीं, वो ऐसे, है ना, वो ऐसे भटकने वाले होते हैं, लड़ने वाले होते हैं। हमें तो बाबा सब कुछ दे रहे हैं, फिर आपस में लड़ने की क्या बात है। रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं है, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। बाबा कहते हैं फिर बाबा के बच्चे नहीं, भले ही वाइट ड्रेस पहनी है लेकिन हो क्या गए, वो तो रावण संप्रदाय हो गए, वो सब आसुरी संतान ठहरे।
फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं, है ना। तो जब देह के भान में है, देह अभिमानी है, तो ईश्वरीय संतान कैसे हो सकते, वो तो फिर आसुरी संतान हो गए। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। आत्मा माना जब आत्मिक स्थिति में तो स्वधर्म में है, स्वधर्म है ही शांति पवित्रता। अगर देह भान नहीं, देह अभिमान नहीं, तो लड़ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना, लून पानी माना खारा नहीं होना, मतभेद में नहीं आना। होते हैं तब समझाया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि बाबा ऐसे ही समझा रहे हैं, ये बाबा के बच्चों की ही ऐसी चलन होती है, इसीलिए बाबा मुरली में समझाते हैं। फिर बाप कहेंगे, ये तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि बाबा कहें ये रावण के बच्चे हैं, तो फिर हमें वर्षा कैसे मिलेगा? वर्षा तो हमें बाप के बच्चे बनने से मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं, तुम 21 जन्म शिरखंड होकर रहते हो। बाबा कहते हैं, तुम 21 जन्मों तक आपस में स्नेह सम्मान से रहते हो, इस समय देही अभिमानी बन रहना है। इस समय नेचुरल शिरखंड नहीं होंगे, लेकिन जितना अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहे, भरपूर अवस्था में रहेंगे, तो आपस में भी प्यार से रहेंगे। अगर आपस में नहीं बनती है, तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। बाबा कहते कि जैसे बच्चा कुछ भी करता है तो नाम किसका खराब होता है? बाप का। ऐसे यहाँ भी देखने वाला क्या कहता है? वैसे तो कहते हैं भगवान की संतान है, ऐसे होते हैं भगवान की संतान ना, झूठ बोलते हैं, धरती पर भगवान आया है। भल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है, तो जैसे देह अभिमानी है ना, देह अभिमान को चेक नहीं कर पाते ना, तो जहाँ रूसना, लड़ना, झगड़ना, आसुरी गुण दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब है देह अभिमान है। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे, तभी बाप साथ में ले जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। सुना है ना, दैवी राजधानी में कैसे जाएंगे? जब यहाँ दैवी गुण धारण करेंगे, ईश्वरीय गुण धारण करेंगे, तब तो वो गुण स्थायी बनेंगे और हम उनके उन्हें लेकर जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी होकर रहते हैं। रिपोर्ट जाती है बाबा के पास, इसीलिए बाबा मुरली चलाते हैं। वो ईश्वरीय बच्चे कहला ना सके, कितना अपने को घाटा डालते हैं, है ना। किसको घाटा डालते हैं? अपने को। बाबा की इज्जत, बाबा कहते हैं मैं तो द्वापर युग से, तुमने इतनी मेरी ग्लानि की तो मेरी इज्जत तो गवाते ही आए हो, और अपने को घाटा डालते हो, माया के वश हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे माया तो अजगर पूरी निकल जाती है, थोड़ा अपने पे अटेंशन नहीं दिया तो माया पूरा ख़त्म कर देती। आपस में लून पानी, नमक पानी, मतभेद हो जाते हैं। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है ना। दुनिया में तो ये आम चलता है, रूसना, लूटना, दूसरे को बदनाम करना, एक दूसरे के प्रति, है ना, ग्लानी की बातें करना, ये सारा चलता ही है, बदले की भावना रखना, दुनिया में तो यही लगा पड़ा है। लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो, तो बाकी फर्क क्या रहा? वो तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले ठौर पा ना सके, है ना, सल्यूशन नहीं करेंगे, है ना। लून पानी होकर बहुत तमाशा करेंगे, बाप की निंदा कराएंगे। बाबा कहते ऐसे वाले ठौर नहीं पाते, दुनिया वाले करते हैं, वो तो बाप को नहीं जानते, उनके सिर पर बाप की पालना का कर्जा नहीं है, लेकिन हम तो बाप से पालना लेते हैं। अगर हम भी ऐसे कर्म करें तो फिर हम ठौर कैसे पाएंगे सत्ययुग का? उनको नास्तिक भी कह सकते हैं,
देखो आज बाबा कितने कड़े शब्दों में कह रहे, नास्तिक माना रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को ना जानने वाले, जैसे ज्ञानी होकर भी जैसे अज्ञानी हो गए। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते, बाप को जाने बाप का बने तो लड़ाई झगड़े के संस्कार तो खत्म हो जाए ना। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। ये सब संस्कार यहाँ बनाने हैं, इसलिए ये नहीं सोचना है कि सब बातें परफेक्ट होंगी, ऊपर नीचे की कोई बात नहीं होगी, होगी, लेकिन लून पानी नहीं होना है। आपस में बात करके शुभ भावना शुभकामना से उस बात को ख़त्म करनी है। अगर यही संस्कार बनाएंगे तो 21 जन्म कैसे चलेंगे? बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वो आसुरी संतान ठहरे ना। बाप का बच्चा है माना आपस में भाई भाई होगा, नहीं भाई भाई की तरह रहते, उस स्नेह की वृत्ति नहीं रहती, तो इसका मतलब आसुरी संतान। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, है ना, बाबा को रिपोर्ट जाती है तभी मुरली चलाते हैं, लेकिन देहाभिमान के कारण उनों को ये भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। सुना, देहाभिमान ऐसा है कि बाबा की मुरली सुनते हुए भी नहीं जानते ये बाबा मेरे लिए कह रहा है। माया बड़ी तीखी है ना, माया ऐसी है, मैं राइट हूँ राइट हूँ राइट हूँ करके अपने सारे कर्मों को अनदेखा कर देते हैं, देख भी नहीं पाते हमारे कर्म कैसे हैं। हम लड़ झगड़ रहे हैं, ग्लानी करा रहे हैं बाप की, तो देहाभिमान है ना, लेकिन मानते नहीं, क्योंकि माया। जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता है ना, चूहा फूंक फूंक के काटता है, माया भी ऐसी है ना, तुम राइट हो कह कह के माया काटते जाते। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है, बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं ना, सेंटर्स में ऐसे है ना पूरे पूरे क्या कहें टोलियां बना लेते हैं, अपनी अपने ग्रुप्स बनाकर लून पानी होकर रहते, सारे दिन लड़ना झगड़ना निंदा करना यही काम करते। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है, माया वार करती रहती है, और देहाभिमान में अगर माया को पहचान मायाजीत नहीं बनते तो माया के मुरीद बनकर रहते हैं। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता नहीं पड़ता है ना बाबा, देखो कितना अंडरलाइन कर रहा है, पता नहीं पड़ता, जान भी नहीं पाते बाबा मेरे को अटेंशन खिंचवा रहे हैं मुरली में। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है वा नहीं, कितना अच्छा प्रश्न है, अपने से पूछो हमारा आपस में प्रेम है वा नहीं, है ना। अगर मेरा प्रेम है ना, तो मैं सल्यूशन की तरफ काम क्यों नहीं करते, है ना, मैं किनारा क्यों करता हूँ, मैं लून पानी क्यों होता। मेरा प्रेम है तो मैं तो एफर्ट दूँ ना, सामने वाला मुश्किल भी खड़ी करे तो भी मैं तो एफर्ट दूँ, लेकिन किनारा करना, अपने आपस की चलन खराब करके रखना, ये तो फिर प्रेम की निशानी नहीं है ना। तो प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे तो ना बोलना अच्छा है ना, लेकिन उल्टा सुल्टा बोलने से बाज नहीं आते, बोलते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलने पर ही आ गई ये बात, तो ना बोलो ना, चुप रहो ना। लेकिन देखो माया कैसे करती है, कर्मों के खाते को बिगाड़ती चली जाती है। हियर नो ईविल सी नो ईविल टॉक नो ईविल थिंक नो ईविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वो लव नहीं रहता है, और ये सब क्या है, अंदर के क्रोध का अंश, भूतों को नहीं भगाते तो फिर वो भूत कहीं पर भी जैसे उजागर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते रोज अपना पोतामेल निकालो, मैंने क्या किया, मेरी चलन कैसी रही, मैंने क्या शब्द प्रयोग किए, मैंने कैसे कर्म किए, अपना पोतामेल निकालो। दूसरे को देखने में ना अपने चलन पर अटेंशन ही नहीं जाता, आसुरी चलन सुधरती नहीं है तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, क्या पद पाएंगे,
है ना, बाप समझ। और सोचो संगम युग में ईश्वरीय पालना ले रहे हैं और कोई पद ही ना पाए, क्या फायदा हुआ फिर? बाप समझाते कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी? अब सोचो अगर ये हालत है तो सर्विस तो क्या ही करते होंगे, है ना? आपस में इतना मन मुटाव रहे, नून पानी होकर रहे, तो सबसे पहले तो सर्विस छोड़ देते हैं, सोचते हैं हम एहसान कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए सर्विस पहले, जैसे ही देह अभिमान आता है ना, श्रेष्ठ कर्म पहले छूटता है, सर्विस पहले छूटती है। तो सर्विस ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? पद कम हो जाएगा, साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ऐसे ही रिजल्ट नहीं निकलेगी अपना, एक एक कर्म दिखाएंगे बाबा, तब क्या करेंगे? वहाँ पर भी बैठ के कहेंगे नहीं मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ। हाँ, ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे और पछताएंगे। सुना, ऐसी गति करनी है कि अभी नहीं समझेंगे, बाबा समझा रहे तो नहीं समझेंगे, प्यार से सुधरेंगे नहीं, फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजा खाएंगे, फिर पछताएंगे भी। ऐसे जाना है कि अंतमति सोगति ऐसे करनी है। बाबा का कहना नहीं माना, बाबा ने तो बार बार समझाया है कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए, है ना? जो आसुरी गुण जिनमें है उनकी तो बात छोड़ो, जिनमें दैवी गुण है वो तो आप समान बनाए ना, वो तो अपना कदम बढ़ाए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, अल्फ और बे, अल्फ माना बाप, बे माना बादशाही, है ना? तो क्या याद करना है? बाप और वर्से को। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए, इतना ऊंचा बाप मिला, इतना ऊंचा वर्षा मिला है, तो अब हमें बाप का बन कर श्रीमत पर चलकर वर्षा लेने का होना होना चाहिए। ये पुरानी कलयुगी चलन लड़ने झगड़ने रूसने रूठने की थोड़ी चलनी है यहाँ। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे? बाबा समझेंगे ये आसुरी औलाद है, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। उनको पता भी नहीं पड़ता है, सारी अवस्था डावाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? फिर उनको प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए, है ना? दृष्टि में प्रेम हो, प्रेम से सिखाएं, है ना? वो सीखे ना सीखे अपने समय से, लेकिन हम अपना प्रयास जरूर करें। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं, ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। अगर सच में ईश्वरीय मत पर चले तो फूल बन जाएंगे। सब गुण तुमको देते हैं, देवताओं में प्यार है ना, तो वो अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है ना? बाबा कहते देवताओं में आपस में प्यार है, वो संस्कार अभी बनाने हैं। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी, वहाँ दैवी प्यार ही रहता है ना? यहाँ नॉलेज है, यहाँ बनने का समय है, वहाँ तो सिर्फ संस्कार जाएंगे। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, इस समय के पुरुषार्थ के अनुसार हम सत्ययुग त्रेता युग में पद भी पाएंगे और फिर द्वापर युग से जो पूज्य बनेंगे, पूजा होगी, वो भी इसी समय के पुरुषार्थ के आधार से होगी। अभी संगम पर हो, बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, है ना? कहाँ हैं हम? भारत में बैठे हैं संगम पर, और भारत भूमि पर भगवान आए हुए हैं, परंतु वो कौन है, कैसे, कब आते, क्या करते हैं, ये नहीं जानते। दुनिया वाले शिव जयंती मनाते हैं, बाप को नहीं जानते, और हम तो बाप को जानकर मिलन मना रहे हैं। तो जब बाप को जानते हैं, मिलन मनाते हैं, तो फिर उसकी निशानी क्या है कि आपस में भी भाई भाई की वृत्ति रखें।
तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जो नहीं जानते वो किसको समझा भी नहीं सकते, फिर पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है ना, तो कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है ना। एक ही स्कूल में देखो चलन में कितना अंतर होता है, किसी की खराब किसी की सदैव अच्छी। तो यहाँ भी बच्चों में ऐसे नंबरवार हैं, कोई प्रेजेंट रहे कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट तो वो है, देखो प्रेजेंट किसकी पड़ेगी, जो सदैव बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, है ना। अटेंडेंस लगी मुरली की वो अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट तब गिने जाते हैं जब बाबा की याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। और जो ऐसे योग युक्त हैं वो युक्ति युक्त होते हैं, उनके कर्म उल्टे नहीं होते। बाप कहते उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो, है ना। हमें अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान है, उस ज्ञान को इमर्ज रखो। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो, जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी ऊंच पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है, अभी तो और टाइम नहीं पड़ा है ये तो, है ना। तब बाबा कह रहे हैं ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में ये चक्र फिरता होगा। फिरता है, अगर चक्र फिरता है माना ऊंच पद पाने वाले हैं। कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, मुख में ज्ञान अमृत हो तब प्राण तन से निकले। अंतमते सोगति कैसी होनी चाहिए, शिव बाबा की याद हो मुख में ज्ञान अमृत हो, है ना। शरीर छूटे तो भी मुरली बुद्धि में हो उस दिन, ऐसा नहीं कि उस दिन मुरली नहीं बुद्धि में है ना। तो बाबा कहते ऐसी अंतमते सोगति चाहिए, तो श्रीमत बाबा की जो आज की मुरली उस पर अटेंशन देना पड़े। अगर कोई चीज़ से प्रीत होगी तो अंत काल में वो याद आती रहेगी, है ना। अगर ये संस्कार होंगे लून पानी के तो भी मुश्किल, अगर किसी से लगाव होगा तो भी अंत काल खराब हो जाएगा। खाने का लोभ होगा तो भी मरने के समय वो चीज़ ही याद आती रहेगी, ये खाऊं। कितनी बड़ी बात है सोचो, एक खाने के लोभ के लिए अंतमते सोगति बिगड़ जाएगी, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप तो कहते स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल स्वदर्शन चक्रधारी रहे हो तब अंत में स्वदर्शन चक्रधारी बन, है ना। स्मृति स्वरूप सो, है ना, नष्टो मोहा होकर शरीर छोड़ेंगे। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई वैसे जाना है ना। न लगाव का झुकाव का ना कोई घृणा का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। लोभ भी कम नहीं है, लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आस में मर जाएंगे। इसीलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। मेरा मेरा लोभ, जब हम व्यक्ति से मोह रखते हैं तो मोह कहा जाता है, वस्तु से रखते हैं तो लोभ कहा जाता है। तो ऐसा चीज़ों से भी कोई लगाव ना हो जो अंत में वो याद आए। बाप समझाते तो बहुत है परंतु समझने वाले कोई समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो, बाबा ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, है ना। अंदर ही अंदर दिल से जैसे बाबा बाबा का अनहद नाद अंदर ही अंदर चलता रहे, अजपा जाप चलता रहे। जाप तो मुंह से होता है ना, अंदर ही अंदर अजपा जाप चलता रहे। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, आज मम्मा के भी महावाक्य हैं, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, पहले वो सुनेंगे। देखो मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है, और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृतिपति है
उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो, सभी बातें मिला दी हैं। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति तो परमात्मा है, श्री कृष्ण तो सत्ययुग का पहला देवता है। तो पहले तो भगवान का ठीक परिचय चाहिए। पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी कभी हिंसा नहीं सिखला सकता है, ना ही पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। तो परमात्मा के परिचय को भी समझना पड़े, फिर हिंसक लड़ाई की बात को ख़त्म करना पड़े कि हिंसक लड़ाई से कभी एक राज्य स्वराज्य नहीं होता। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म का बीज बोता है वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है ना। तो इसमें ये भी समझना है कि भगवान कोई फल नहीं देते, यहाँ तो कर्म के अनुसार फल मिलता है, श्रीमत पर किए गए कर्मों का फल स्वर्ग के राजा ही मिलता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है ना, तो इसी कर्म क्षेत्र पर बाबा आते हैं और शिव शक्ति पांडव सेना की भी रचना करते हैं। जो बाबा के बनते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा, वो ईश्वरीय संतान शिव पांडव सेना, शिव शक्ति सेना कहलाते हैं। परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं, इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि अविनाशी बाप की अवतरण भूमि का कभी विनाश नहीं होता। वहाँ ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो प्रैक्टिकल में निराकार परमात्मा आकर पांडवों और शक्तियों की रचना कर, है ना, कर्म सिखला कर योग बल के द्वारा कौरवों का राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन कराते हैं। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। और वो भी हमें समझ आ गया कि जब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने लगते तो फिर अपने को देवी देवता धर्म का कहला भी नहीं पाते, पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पतित बनते हैं। बेचारे अपने धर्म को ना जान औरों के धर्म में जुट गए हैं, है ना, इसीलिए तो इतनी कन्वर्जन होती है। तो ये बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है, है ना। गीता का ज्ञान, गीता एपिसोड कब होता, परमात्मा कौन है जो गीता सुनाते, कौरव पांडवों की पहचान, सारी बातें, कौन से धर्म की स्थापना हुई, सारा ज्ञान परमात्मा खुद समझाते। ये तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि। धर्म ग्लानि किसे कहते हैं? अपने धर्म को भूल, आत्मा स्वधर्म को भूल देह के धर्म में फंस जाए, इसको कहते हैं अति धर्म ग्लानि। क्योंकि ये सब प्रकृति के धर्म हैं, परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हरेक का स्वधर्म ये है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म, है ना। तो देह का भी धर्म भूल गए और हम तो अपना स्वधर्म भी भूल गए, तो इसको कहेंगे अति धर्म ग्लानि। ऐसे समय पर जब आत्मा अपने धर्म को भी भूल जाती और अपने देवता धर्म को भी भूल जाती, तब बाबा आते हैं। ये 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं, तभी तो परमात्मा कहते हैं अनेक देह के धर्मों का त्याग करो, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। माना आप सब देह के धर्मों को भूल, अपने स्वधर्म में टिक, अपने मुझे याद करो। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है, है ना। हमारा बेहद का प्रकृति का धर्म देवता धर्म और अपना बेहद का आत्मिक धर्म स्वधर्म में टिकना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृति पति परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण।
तो कल पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृति पति परमात्मा थे उनकी विजय गाई हुई है, तो अभी हमें कितना नशा चढ़ना चाहिए कि हमारी तो विजय निश्चित है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लदे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज़ याद ना आए। वरदान है, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। बाबा कहते राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। ना एक तरफ तो सर्व प्राप्ति का अधिकार, इस समय भी ईश्वरीय प्राप्ति का और कल सत्युगी प्राप्ति का भी नशा है, और दूसरी तरफ मेरा कुछ भी नहीं ऐसा बेहद का वैराग्य, इसका भी नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सब कुछ करते कर्तापन का भान ना हो, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए, है ना। हद की देह के संबंध, कर्म प्राकर्म का फल कुछ भी आकर्षण में ना लाए, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो। अधीनता माना कुछ अतीन्द्रिय सुख से हम सुखमय स्वरूप से कर्म करें, कर्म या कर्म फल के आधार से हमारे सुख की स्थिति ना हो। इसको कहते राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह व पुरानी व देह की पुरानी दुनिया व्यक्त भाव है ना, जो अंदर से भावनाएं आती है, जो मोटे तरह की फीलिंग्स जो अंदर आती हैं, वैभवों का भाव है ना, जो बाहर की उपलब्धियां प्राप्तियां हैं उनका भान, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन है साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। जीवन कहाँ है? अंदर। तो अंदर की स्थिति साइंस के साधनों के उपलब्ध होने या अनुपलब्ध होने के आधार से हिले नहीं, है ना। एसी पंखा चलता है अच्छी बात है, ना चले तो जीवन मेरी खराब हो जाए, जीवन का अनुभव बिगड़ जाए, ऐसा नहीं, है ना। आज इंटरनेट है, कई क्लासेस सुनते हैं, कई और सुविधाएं लेते हैं, लेकिन वो ऊपर नीचे हो तो मेरी जीवन को फर्क ना पड़े। जीवन अंदर है, मेरे आंतरिक अंदर की दुनिया सुखमय शांतिमय सदा रह सके ज्ञान योग बल से। अच्छा, अभी आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 7 जून 2024 के अव्यक्त इशारे। अभी सहज और सदा के कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बनो। जो सदा कर्म योगी रहते हैं वो सदाचारी रहते हैं। जैसे धर्म और कर्म दोनों को अलग नहीं कर सकते, कोई भी कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। कर्म में जब बहुत बिजी हो रहते हो तब धारणा भी इतनी ही रहे, दोनों तराजू का तरफ एक समान रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान कर्मयोगी आत्मा। बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है, इस दिव्य बुद्धि के आधार से हमें कर्म करते निर्विकल्प स्थिति में रहना है। कर्म करते कर्मयोगी है ना हम, तो हमारा योग बाबा से है,
सुख शांति के सागर से। तो योग बाबा से है, हमारा मन बाबा के योग के आधार से सुख शांति में रहे, विकल्पों से फ्री रहे, यह कर्म योगी अवस्था की निशानी। दूसरा बाबा कहते हैं वो सदा सदाचारी रहेंगे। माना जब कर्मयोग है, बाबा से योग युक्त होकर कर्म कर रहे हैं, स्थिति भी निर्विकल्प है, तो आचरण भी श्रेष्ठ रहेगा, उल्टे कर्म उनसे नहीं होंगे। फिर बाबा दूसरी बात कहते बैलेंस की, धर्म और कर्म के। माना कर्म में अति बिजी भी हैं तो भी ऐसा नहीं कि हमारा धर्म या जो हमारी मूल धारणा है शांति पवित्रता, उसमें अंतर पड़ जाए। तो अपने स्वधर्म में स्थित होकर हर कर्म हम करें, तो इसको कहेंगे फिर दिव्य बुद्धिवान और कर्म योगी आत्मा। अच्छा, ओम शांति।